बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस ऑस्ट्रेलिया लौटते समय स्टीव स्मिथ को जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट पर जब लोगों ने स्मिथ को देखा तो वो धोखेबाज के नारे लगाने लगे। इन सब के बीच पूर्व कप्तान किसी तरह अपने आप को वहां से निकाल पाए। इस मामले के बाद भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का कहना है कि बॉल टेंपरिंग के मामले से स्मिथ एंड कंपनी को परिभाषित नहीं करना चाहिए। इस बारे में ट्वीट कर रोहित शर्मा ने लिखा कि स्टीव स्मिथ को जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर जिस तरह से ट्रीट किया गया वो बेहद गलत था। खेल भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई इनकार नहीं करता। उन्होंने एक गलती की और इसे स्वीकार भी कर लिया। मेरा यहां बैठकर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाना गलत होगा, लेकिन स्मिथ महान खिलाड़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये विवाद उन्हें परिभाषित करता है। गौरतलब है कि केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज कैमरून बेनक्रॉफ्ट को गेंदबाजी से छिड़खानी करते हुए कैमरे में कैद किया गया था। इसके बाद स्टीव स्मिथ और बेनक्रॉफ्ट ने गेंद से छिड़खानी की बात को कबूल कर लिया था। इस विवाद में वार्नर का नाम भी सामने आया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और वार्नर पर 12-12 महीनों का प्रतिबंध और बेनक्रॉफ्ट पर 9 महीनों का प्रतिबंध लगाया है।